प्रिपरेटरी के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हमने स्वर सीखे, हम व्यंजन सीख रहे हैं, काफ़ी सारे व्यंजन हम सीख चुके हैं और हमारी हैंडराइटिंग बुक में हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना। तो आप सभी एक एक व्यंजन सीख रहे हैं और अपनी हैंडराइटिंग बुक में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। बिल्कुल, जैसे ही हम नया व्यंजन सीख रहे हैं, हम अपनी हैंडराइटिंग बुक में प्रैक्टिस करेंगे उसे, ठीक है। तो चलिए, अब हमने स्वर तो पहले ही सीख लिया था, तो चलिए देखते हैं ओ आ उसके बाद क्या होगा बच्चों। बिल्कुल सही, उसके बाद होगा छोटी ई। ओ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ, यानी अब क्या आ रहा है बच्चों, अब आ रहा है छोटा ऊ बड़ा ऊ। बिल्कुल सही, ओ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। री ए ओ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ओ। उसके बाद ओ अंग और आहा। तो बच्चों चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ से अनार, अ से अनार। आ से आम, आ से आम। छोटी ई से, अब आप बताइए मुझे छोटी ई से क्या होगा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी, हमने छोटी ई से ईक पढ़ा था, छोटी ई से इमली पढ़ी थी, या छोटी ई से क्या पढ़ा था? यस, छोटी ई से इमली पढ़ी थी और बड़ी ई से हमने क्या पढ़ा था, ईक पढ़ा था। छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि, ए से इकतारा, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। अंग से क्या होता है, अंगूर। और आहा से कुछ नहीं, बच्चों बजाओ ताली। बिल्कुल, चलिए द अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से इकतारा, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत। अंग से अंगूर और आहा से कुछ नहीं। तो बच्चों आप इन स्वरों का एक बार फिर अभ्यास कीजिए और इसी तरह कुछ स्थानों को रिक्त रख के खुद लिखने की कोशिश भी कीजिए एक के बाद एक। अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें आगे वाले वर्ण, पीछे वाले वर्ण, बीच वाले वर्ण जब ही हमें मिलेंगे, हम उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी घर पे अभ्यास करते रहिए और मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए एक नया क्लास लेके। तब तक के लिए बाय बाय।